हमारा मौसम साथ में हुआ था सर के साथ में और रोबी सर थे ये इन्हीं लोगों ने हमारा मौसम किया था 4.5 साल हो गया आज माशाल्लाह 1200 एपिसोड और 9 दिसंबर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू दी फॉर एवरीथिंग फॉर ऑल सीन्स इतने प्यारे सीक्वेंसेस इतने प्यारे सीन्स देख कर आते कितना अच्छा शो होता है हमारे यहाँ इतना अच्छा एडिट होता है तो सारी टीम के लिए थ्री चीयर्स माशाल्लाह ये जर्नी ऐसे ही बरकरार है डीकेबी के सारे शोज ऐसे ही मे दे रीच द हाईएस्ट ऑफ रीच आप बेंचमार्क बनाइए आई मेक श्योर दे फॉलो And 3 years to Kaira and Kushalangi, many, many congratulations. You did 1200 episodes. MashaAllah. And now we're shooting 1204th, 1203rd, 1204th. And wo aise hi ye journey par kara rahe hai, aise hi. So thank you to TKP team, to Ran sir, to Kushalangi, to the entire cast and crew. And obviously to everyone who's watching the show. And the biggest of thank you to Lord of Mighty to person to ye show chala rahe hain hamare sath jaise Arun sir kehte hain ye God's own show hai sir but wo it's God's own show and God jaane to acche log hote hain upar upar wala barkat deta hai ye so thank you so much guys and inshallah we really hope ki unki health bahut acche se improve ho jaye wo bilkul theek ho jaye so just wishing and praying for this very special day 11th of December वो 98 years के हो गए और वो ऐसे ही रहे और हमेशा खुश रहे। So you can take some bites like that, then you can take the individual एक बार बच्चे का केक काट लो, इस तरह आप individual इनके bites सब ले लीजिए।
कांग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच एपिसोड ये जो जर्नी रही कैसी रही है जर्नी क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे एक्सपीरियंस है और आप लोगों ने शेयर किया थोड़ा बहुत अगर आप लोग कुछ बताना चाहते कैसी रही सही से नहीं बहुत अमेजिंग रही जर्नी और जब शुरू किया था तब एक्चुअली कुछ नहीं था हमारे दिमाग में कुछ नहीं सोचा था कि कैसे करना है क्या करना है सिवाय इसके कि वी हैव टू गिव आवर 200% और जिस हिसाब से यू नो आगे हमें इतना प्यार मिला सपोर्ट मिला मतलब दैट वाज कमेंडेबल एंड लाइक सीरियसली थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है और ये रिश्ता से पहले एक्चुअली एक सर का एक दूसरा शो था जिसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था तब मैंने भी दिया था एक दूसरे शो के लिए तब हम पहले मिले थे और फिर ये रिश्ता में किस्मत लिखी थी और ये हुआ उस वक्त मैंने सोचा था कि नहीं नहीं अभी दो तीन साल में ना या दो साल में मैं ये लड़का एक हाँ मैं इसको ही लेने वाला हूँ कार्तिक इसको नायरा लेने वाला हूँ सोच लिया तो हमने तब हमारी जर्नी तब से शुरू हो चुकी है जब हमने पहले ऑडिशन दिया था उस शो के लिए और हमारी किस्मत में ये था और इंशाल्लाह ये ऐसे ही आगे बरकरार रहे एंड रियली होप दैट थिंग्स वर्क आउट इवन इंशाल्लाह बिगर देन राइट नाउ एंड वी सेलिब्रेट 12,000 यस सर ऐसी कौन सी क्वालिटी एक आपको पसंद आई इन सर लोगों में मैम में कुछ बताएंगे एक तो मुझे जो सबसे ज़्यादा यू नो एक तो आप उम्दा एक्टर्स हैं परफॉर्मर्स हैं अच्छा सब जानते हैं दुनिया जानती है आज तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है देयर वर्क स्पीक्स फॉर इट बट मुझे जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी टच करती है जिस जो मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ एक इंसान में स्पेशली जब आपको बहुत तरक्की मिलती है सफलता मिलती है वो है ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स वर्क वो चीज़ मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इन ह्यूमन एंड स्पेशली फॉर बीइंग इन ये रिश्ता और ये चीज़ आज तक मतलब 4.5 years हुए थू 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 कि वो जो डेडिकेशन वो जब सीन आता है वो ऐसे पढ़ते हैं जैसे पहली बार वो सीन पढ़ रहे हैं यू नो दैट सेम इनफैक्ट रोमेश शर्मा डिस्कस भी कर रहे थे आई थिंक कल डिस्कस कर रहे थे कि दे आर लाइक स्टूडेंट्स यू नो वो जो परफॉर्म करेंगे और इनकी मैजिक केमिस्ट्री मतलब नॉर्मल ऐसे बैठे रहेंगे बट जैसे कैमरा ऑन होता है सडनली व्हेन यू आर वॉचिंग द शूटिंग ऑल्सो यू आर हियरिंग बैकग्राउंड म्यूजिक यू आर सीइंग ऑल द इफेक्ट्स बिकॉज इट क्रिएट सम स्पेशल केमिस्ट्री विच इज द मोस्ट यूनिक आई हैव सीन यू नो जितने भी मैंने शोज आज 27 आई थिंक 30 शोज करे होंगे दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कायरा एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मोहसिन एंड शिवांगी दे क्रिएट मैजिक ऑन स्क्रीन थू 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 इनको तो हम लोगों ने ऐसा लगता है जैसे एक रियल कपल ग्रो कर रहा है कि हाउ दे फेल इन लव एंड कैसे शादी हुई एंड कैसे एक फैमिली बनी तो ऐसा लगता है कि रियल लाइफ कपल आप उसकी जर्नी देख रहे हैं कि कैसे उनमें प्यार हुआ और ग्रो कर रहे हैं और आगे 15 साल की बिल्कुल ये जर्नी जो है वो दिखती है इनके और ऐसे ही जिंदगी भर चलती रहे आई होप बट चेहरे देख के नहीं लगती है लगते तो अभी भी भैया ये रिश्ता जब मैं बोल रहा हूँ 12,000 तक चलेगा फिर तू क्यों बोल रहे आप आने वाले फिल्म में निकल में प्रायोरिटी हमेशा हम सबके लिए एंड फॉर दी ऑडियंसेज ये हमारी एक वो है कि ये रिश्ता का कहलाता है हम सबके लिए प्रायोरिटी है मेरे लिए प्रायोरिटी है इनके लिए ज्यादा प्रायोरिटी है हम सबके लिए और हम खाली ये रिश्ता कहलाता है की बात करेंगे और मेरे लिए खाली एक ही जोड़ी है दुनिया में वो है कायरा बस बाद में पहले पापा
And this is for you, from all of us, small gift for you. हो गया रेडी।